कानून है साडे कोल जिहदे नाल आए जे बन्ने तुसीं अज पाई होई है पंजाब दे पुलिस दी वर्दी देश दी इत्थे जिहड़ा तुसीं लाने होले ना आ स्टार लाने और उहदे नाल लाने अशोका एम्बलम देश दी वर्दी है और देश दी वर्दी दा मतलब कानूनी व्यवस्था नूं सुधार रखना लोगां दी देखभाल करनी ए नहीं के बादलियां ने पुलिस फोर्स बन के अकाली दल दे तुसीं लोकां नूं कुट्टी चलो मारी चलो ओह क्या तरीका है जिथे कहन थाणा जाके कुट्टो झूठे तुसीं इहनां दे परचे करदे ओह तरीका की है एक गल ए समझ लैण ए अकाली दल जदों आवांगे असीं पहला तां मेरा पंजाब नाल वादा है कि 14,000 होण 16 होण 18 होण सारे परचे कैंसल करांगे गुरदासपुर और गुरदासपुर के मैं उत्थे दे एमएलए साहबान लिया है दो बजुर्गों को 70-80 साल की उम्र हुई है बेचारे मेरे सामने आया दोनों आ गए कहने ये दोनों बंदियां ने जमीन श्रोमणी कमेटी के सामने मैं कैसे कैसे बस आ गए और साढ़े इन्हों दोनों बंदियां ने मुंडे खड़ गए उसे कैसे छोड़ी अपनी जमीन नहीं दे लैंड देने दोनों गोली मार के मारता और उन्होंने कुछ नहीं किया समय दोनों बुजुर्गों के और मुंडे जो मरे से उन्होंने पिता दोनों से उन्होंने 300 साल की उम्र पा क्या चल रहा है पंजाब कैसे चलेगा कल एक ने मैं सुना मैं भी 40 साल हो गए सियासत के अब पांचवी बार मैं असेंबली चाहिए एक बार मैं पार्लीमेंट के रहा मैंने आ नहीं देखा मैं इतने काम चल रहे इतने थोड़ा कोई जोर जो है कभी कोई जोर आप तो बैठा रहता है उसे दिल्ली के बीच वाले जो जो बजाए जो जो है कौन चीज और आ जो और उधर के पास एक बंदर जा खड़ा कीता कोई मजीठे को वो उधर ही चले जाते कुछ उधर पास थोड़ा पता है तो की उन कितना है सारा रेता सारी बजरी सारे शराब के ठेके पे जाते हो उस मजीठे वाले को और तुम्हें पता है मैं अमृतसर वहां दस रहे से कोई कुछ कोठा पाना ना अमृतसर के कोल और भी बैठे हैं मैं पता नहीं इतने कि पा है लेकिन उठे एक ट्राली रेते रही 3300 रुपए होती सी हूँ 6,800 पहुंच गए उसे और जिस तरीके ना चल रहा हूँ जाता कितने है ये जाता है ये जरा कुछ भी ये जरा इकट्ठा करता है जोड़ो छोटो और दूजे जड़े ने ये सारे उन्होंने नवे होटल बनाने वास्ते अज एक होटल का रौला पाया सी असी ओदे इन्ने ठीक ने उसे गुड़गांव दे विच पहला ऑर्बिट रिजॉर्ट तुसीं सुणी होणी ऑर्बिट रिजॉर्ट कहिंदे से हुण उहदा नाम रखता इन्होंने ट्राइडेंट होटल सड़क जाती है खब्बे पासे होटल बड़ा बन गया हुण बहुत बड़ा होटल 7 स्टार कहिंदे ने मैं तां कह रही उत्थे हुण उह सज्जे पासे होर बनाउण लग गए आ चंडीगढ़ के कोल छतवीर है उसे जमीन लैनी होर बना रहे हैं पोर्ट ब्लेयर निकोबार उत्थे जिहड़े एंड बना रहे दे विच उत्थे जमीन लै रही 300-400 किले उत्थे बना रहे मॉरीशस विच बना रहे और इधर अफोर जमीन कीमत गिरी है दुबई उत्थे भी जाया है पता नहीं कितनी जमीन लैनी उत्थे बनाऊंगी आना देखो पैसा अपनी होगा ऐ नहीं कदे कमा सकते जिन्नी इन्ने इन्ने होटल बनाई जा सब लुट मार का पैसा थोड़े से बसा चल रहे होने कोई प्राइवेट बस रह गई है सारे इन्हें ना काम करने का ऑर्बिट 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 कहने में क्या है ऑर्बिट और हम मैंने बनाने मिले से कुछ लोग कि ऐसी टैक्सी उन्हें नहीं थी टैक्सी चलाने से वो भी हम बंद करके हम लाभ क्या टैक्सी पा रहे बच्चे इंडस्ट्री में सारे बच्चे भी रहते हैं नौकरी ने सारे उन्होंने पहन के उन्होंने जो टैक्सी लगा के तुझे अपना धनी जुटा हो जाएगा कुछ बता एग्रीकल्चर दाने कम चासे दा जमीन आज काटनिया जा रही है साढ़े पंजाब के किसी ने 4 किले जमीन है दो मुंडे तैयार हो गए दो मुंडे फिर किले तैयार हो गए साढ़े जेडे खेती बाड़ी का काम है वो कमजोरी आ गई अखबार अज पानी अज मैं अखबार च पढ़ रहा कि पानी हम कई कई एरिया ने पंजाब के जिते 400 फुट जाना पैदा समरसिबल पंप लाने जिते पहला 4-5-6,000 ट्यूबवैल आ जाता सी हूँ लख रुपए तो उठे जा रहे कितने जाओ किसी भी एग्रीकल्चर ये
सोचना चाहिए सरकार ने और भविष्य के बारे सोचना चाहिए कि साडे पंजाब के लोग किधर जा रहे हैं। यही सोचते हुए मैंने इतने इंडस्ट्री को सदा भी दिया। मैं मुंबई गया, मैं मद्रास गया, मैं कलकत्ते गया, सारे गया और लोगों को कहा कि आओ पंजाब छोड़ो, पंजाब में तुम आओ, साढ़े लोग बड़े मेहनती हैं इंडस्ट्री लाने। और मैं मेरा मेगा प्रोजेक्ट की स्कीम चलाई। वो मतलब कि जेड़ा अपने पंजाब साढ़े पंजाब के 100 करोड़ रुपया लाने को तैयार है और हर करोड़ वास्ते 10 बच्चों की नौकरी का प्रबंध करने को तैयार है, जो सब तो मान लो सरकार थोड़ा रह देने को तैयार है। 399 ऐसे प्रोजेक्ट में उन्होंने लोगों को कहता कहता लोग आ गए। 1,07,000 करोड़ रुपए की लागत उन्होंने मेरे वेला कर लिया से, उसके 10,70,000 बच्चों की नौकरियां और वो जी इंडस्ट्री ने उठना से 1 साल लग जाता 2 साल लग जाते वो टैक्स जो साढ़े खजाने चाहिए और उन्होंने सौदेबाजी कर ली। सारे ने कहा सत श्रीकाल जी, असं चले असं भी पंजाब के ना। यह नुकसान जी का है किसी बात का होया सारे गरीब बच्चों का जोड़े हाल नौकरी पा लेंगे और साढ़े पंजाब का जिते रेवन्यू सा पैसा नहीं होना जो आमदन सामने होनी चाहिए। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਗਾ 5 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 19 ਸੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ, मैं छत्तीसगढ़ तो गया, मैं भूगाम कैसे सारी दुनिया को पता है कि हो रहा है। आज जिथे भी मैं घूम गया पंजाब और मेरा पूरे माझे का दौरा हो गया, दुआबेड़ा हो गया, मैं संगरूर बरनाला सी परसों, कल मैं बठिंडे और मानसा सी, अज मैं थोड़े को फिर मैं जाऊँगा इधर अमृतसरी को, कल मैं इधर फिरोजपुर और मोगे, वो तो बाद फिर GT रोड पटियाला और फतेहगढ़ साहब और लुधियाना कपूरथला जलंधर करांगे। जिथे भी मैं जाना है लोग ऐन तोले होने उन्होंने खिलाफ के मौका मिले कि इन्होंने पढ़ी बात और मैं तुम दस देना मैं पता लगूंगा बात ये समझते हैं कि पता नहीं असं रब ने सू इतने सदा वास्ते रखना है। एक अकाल पुरख भी है देख रहे हैं कि कर रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं और लोगों का अज मन बनाया हुआ है कि इन्होंने जल्दी जाए दुश्मन कटो। गुरु जी गोलक मैदान में गुरु जी गोलक के चोर कहते ये सारी टोली जी उठे बैठे हैं उठे और मैं कह सारे जेडे तुसी हो भाई जेडे वोटर हो SCPC दे जब समय आवेगा जरा इकट्ठे हो के जेडे इन्हां दे विरोधी ने इन्हां नूं कढ़न वाले ने उन्हां दी मदद करो कढ़ो इन्हां नूं बाहर। बड़ा गुरु का भी कहने में कुछ काम कर दिता सारा हर किस्म दे नशे ओदे विच पैसे आ दी लुट गोलक खोलते हैं गिरती तो पहले ही चक के पड़ा पड़ा बन के ले जाते हैं और कि इतने चढ़ावा आ गरीब जे आप सारे जाते हैं। तो यह गल याद रखनी पैन दिया मेरे वीरों और मेरे भैनों कि अज बड़ी औखी घड़ी के पंजाब गुजरे। अज आपने पंजाब का भविख बना एग्रीकल्चर मजबूत करना है, अपने इंडस्ट्री मजबूत करनी है, अपने देखना है कि इतने बिजली का प्रबंध हो ताकि दोनों चल सकन। आ नहीं जरा इतने लोगों के नाल दंगा फसाद करा के कोशिश कर रहे हैं अपने अपने सियासत बधाने की किया इतने प्रेमियों के नाल इतने परिवारों ने गिया कर लिया संगरूर उत्थे की किया उधरले पासे जलंधर के जदों एक संता का कतल होया वियना 3 दिन इतने रुकावट नहीं पाई लोगों को इतने मार पिटाई होने की होया इतने लुधियाने के 10 लाख उत्थे साडा बिहारी उत्थे वसदा है यूपी वसदा है कितने काम करते हैं साडे फैक्ट्रिया साडी जमीन मोटरसाइकिल का गैंग कहते आते हैं कितों आया मोटरसाइकिल का गैंग पहला क्यों नहीं सी गैंग और बाद क्यों नहीं आया वो दिन किधरों आ गया सैकड़े बंदे मोटरसाइकिल चढ़ के उत्थे दे बिहारी लोगों ने हमला करता किस वास्ते क्यों पाचा ने